अस्सलाम वालेकुम। टुडेज कॉन्सेप्ट इज़ ग्लोबल साउथ। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ग्लोबल नॉर्थ के बारे में, आज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल साउथ का क्या मतलब है। सो कुछ तो आइडिया हमें हो गया था लास्ट लेक्चर में कि ग्लोबल साउथ इंडिकेट्स द कंट्रीज विच आर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड। इनके लिए अगर आप सिनोनिम्स देखना चाहें कि इनको और क्या नाम है इनके, सो दीज आर द लो इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, यू नो, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर्ड ग्लोबल साउथ। नाउ ग्लोबल साउथ अगेन, जैसे हमने ग्लोबल नॉर्थ के बारे में बात की थी कि इट इज़ नॉट अ जियोग्राफिकल टर्म, इट इज़ स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक टर्म। और ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ, ये आइडिया ही ग्लोबल साउथ के उन लोगों का था जिनको ये फील होता था कंट्रीज दैट देव हैड जर्क्स ऑफ इनजस्टिस फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ, और वो इनइक्वालिटीज जो उनकी तरफ से आई हैं उसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे ब्लॉक को एक ग्लोबल साउथ का नाम दिया, और ताकि लोग उनको अंडरस्टैंड करें कि उनके क्या इशूज़ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ, दिस डज नॉट इंडिकेट कि ये सिर्फ अंडर डेवलपमेंट को ही फोकस करता है। इट इज़ नॉट अ मेटाफर फॉर अंडर डेवलपमेंट, बल्कि इट इनकम्पसेस एन एंटायर हिस्ट्री ऑफ कलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड यू नो डिफरेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को, जो कि कंट्रीज़ फाइनेंशियली रिसोर्सेज वाइज भी कम थे, इनको इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ा। चाहे वो इनइक्वालिटीज़ रिसोर्सेज में हो, चाहे वो इनइक्वालिटीज़ सर्टन ग्लोबल चैलेंजेस में हो, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है। नाउ दीज कंट्रीज़ जिन्होंने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक, पोलिटिकल एंड सोशल अपहीवल फेस किया है, but they have actually faced the brunt of all these challenges jo ki globalization ki wajah se duniya ke samne aaye hain, chahe usme we talk about displacement, diaspora, war, disease, hunger, economic destabilization, ya problems like climate justice. इन सभी problems में इन countries ने सबसे ज़्यादा injustice feel किया है, and they're ready to talk about it on an international level. अब इन सब की यानी अगर आप characteristics देखें कि global south जो countries इसमें आते हैं उनकी characteristics क्या है, so you would see कि इन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो है। यहाँ पर लो पर कैपिटल इनकम है, यहाँ पर डेमोक्रेसीज जो हैं वो अनस्टेबल हैं। यू वुड सी लेस एजुकेशन इन दीज कंट्रीज़, एंड यू वुड ऑल्सो सी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई है। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बींग इंडस्ट्रियलाइज्ड अभी तक, सो देर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज इन्वेंट्रीज दैट हैवन रीच्ड यहाँ इन कंट्रीज़ अभी तक। सो ऑल्सो इन कंट्रीज़ ने जो फेस किया है वो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया में आया है। सो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ये कंट्रीज़ जो हैं दे आर नॉट हैप्पी ऑब्वियसली, एंड दे टॉक अबाउट इट। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर, उसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को दोनों डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं। ग्लोबल साउथ का ये कहना है कि उनकी इंटरनेशनल फोरम पर से भी कम है, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ हों या सोशल इश्यूज़ हों, तो इस वजह से ये एक डिवाइड क्रिएट हुआ है ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ का। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।